नमस्कार, उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम बात करेंगे रिवर्सल डेट्स की। बहुत सारी क्वेरी थी जब हमने पहला अपना वीडियो रिलीज किया था कि रिवर्सल डेट्स को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और हमने केस स्टडी के रूप में हमने निफ्टी को लिया था, जो हमारा मेन इंडेक्स है, जो इंडिया का मेन इंडेक्स है। लेकिन क्वेरी थी कि मेजर इंडेक्स जो वर्ल्ड मार्केट का माना जाता है डाउ जोन्स, तो डाउ जोन्स से रिलेटेड भी रिवर्सल डेट्स को हम लोग क्यों नहीं कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि कोरिलेशन देखने में थोड़ा सा अच्छा रहेगा कि वहां पे क्या डेट्स निकल के आ रहे हैं और हमारा क्या डेट्स निकल के आ रहा है, क्या वो आसपास है या फिर क्या वो दूरी है। कई बार इस कारण से होती है, थोड़ी बहुत होती है कि वहां पे करेक्शन आता है, लेकिन इंडियन मार्केट्स में वह उतना करेक्शन नहीं आता है या डेट्स मिसमैच करते हैं। तो एक्यूरेसी के लिए दोनों को, दो डिफरेंट मार्केट को, दो डिफरेंट कंट्री को लेकर के यदि आप इस तरह के रिवर्सल डेट्स के कन्फ्लुएंस जोन को निकालना चाहें तो अच्छा प्रयास माना जा सकता है। तो हमने ऑलरेडी रिवर्सल डेट्स और निफ्टी को हमने एक स्विंग से हमने कैलकुलेट किया, बाकी के स्विंग्स आप लोग खुद उसी प्रोसेस को, सेम प्रोसेस को फॉलो करके पीछे और आगे कर सकते हैं। आज हम डाउ जोन्स के लिए करेंगे, तो एक बार रिकैप करते हैं कि रूल क्या है। रूल क्या है, वैसे ज्यादा जानकारी के लिए सबसे अच्छा होगा कि हमारा लास्ट वीडियो जो है, जो रिवर्सल डेट्स को फाइंड आउट किस तरह से करते हैं, उसको एक बार आप फिर से रिफ्रेश होकर के देखें तो बेहतर रहेगा, सारे रूल समझ में आएंगे। बट हम एक क्विक रिकैप हम इस वीडियो में करते हैं और लास्ट में हम डाउ जोन्स के सारे डेट्स को कैलकुलेट करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो ये हमारा था कि प्राइस कैन बी स्क्वायर, एज पर ये गैन का रूल है कि प्राइस को स्क्वायर किया जा सकता है लो से, हाई से, रेंज, और हमने फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ रेंज को लिया है डेट्स निकालने के। हाई लो को हमने फिलहाल इग्नोर किया है, उसको हम लोग बाद में करेंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेंज स्क्वायर की बात कर रहे हैं कि रेंज स्क्वायर के लिए किस तरह के प्रोसेस को यूज किया जा सकता है। तो रेंज के लिए जो है वो आपको दो हाई और दो लो, दो हाई और दो लो को आपको लोकेट करना होगा चार्ट पे। आप इस तरह से करेंगे कि आपको स्विंग का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन क्लियरली दिखना चाहिए। इट मींस आपको वहां पे ट्रेंड दिखना चाहिए। तो ट्रेंड यहाँ पे डाउन है, क्योंकि हमको दो लोअर हाई और दो लोअर लो हमको मिल रहा है। यहाँ पे ट्रेंड अप है, क्योंकि हायर हाई और हायर लो मिल रहा है। तो इस वजह से हमको इस तरह के स्विंग्स को आइडेंटिफाई करना है कि हमको ट्रेंड मिले, तभी हम रिवर्सल, देखिए आप रिवर्सल डेट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, ना ही इसकी एक्यूरेसी 100% हो सकती है। एक प्रोबेबिलिटी की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। वहां पे का प्राइस एक्शन आपको बताएगा, कंफर्म करेगा कि वो डेट सही है या नहीं। प्लस गैन के रूल को याद रखिएगा, प्लस माइनस वन डे, क्योंकि उन्होंने कैलेंडर डेज को यूज किया था, तो जो डेट निकल रही है उससे प्लस माइनस वन डे, एक दिन आगे भी हो सकता है, एक दिन पीछे भी हो सकता है। तो इसको आप जरूर से ध्यान रखिएगा और इसी तरह से कैलकुलेट कीजिएगा, ओपन माइंड के साथ उसको यूज कीजिएगा। डेट यदि 15th का है और 14th को क्यों रिवर्सल आ गया, और या फिर 15th का है तो 16th को क्यों नहीं, क्यों आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट डिसाइड करता है कि किस दिन उसको रिवर्स करना है। आपको तो ट्रेंड फॉलो करना है, आपको प्राइस एक्शन फॉलो करना है, आपको एक व्यू बनाना है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको व्यू बनाने में आपको सहायता देगी कि यदि मार्केट बहुत ज्यादा चल चुका है या उसके आसपास रिवर्सल डेट आ रहा है, तो फिर आप अकॉर्डिंगली अपने पोजीशन को अकॉर्डिंगली आप रीबैलेंस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो हमको चार पॉइंट चाहिए, दो स्विंग हाई, दो स्विंग लो चाहिए। फिर रूल क्या है, हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। टॉप टू टॉप कितना टाइम लगा, बॉटम टू बॉटम कितना टाइम लगा, फिर हमको टॉप टू बॉटम लेना है और बॉटम टू टॉप लेना है। और यहाँ पे मैंने बोला था कि आप उसको देखिएगा कि वहां पे क्या ज्योमेट्रिकल फॉर्मेशन आएगा। मैंने वहां पे कुछ एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन आपको वो खुद ब खुद वो फॉर्मेशन दिख जाएगा, और उस फॉर्मेशन का, उस ज्योमेट्रिकल पैटर्न की बातें आपको ज्ञान की बुक में बहुत ज्यादा मिलेगी। तो रूल मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर है कि ये टॉप टू टॉप हमको लेना है, बॉटम टू बॉटम लेना है, टॉप टू बॉटम लेना है और बॉटम टू टॉप लेना है। तो इस तरह से आपको चारों पॉइंट का टाइम पीरियड जो है वो आपको कैलकुलेट करना है। बेसिक रूल यही है। तो आइए अब
हम लोग डाउ जोन्स के चार्ट्स को देखते हैं। तो ये हमारा डाउ जोन्स का चार्ट है, हमने ट्रेडिंग व्यू को यूज किया है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी मार्केट अप चल रहा है और इसने एक मेजर स्विंग को ब्रेक किया है, बाकी इसका ये इंटरनल था और अभी जस्ट इसने इसका ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे क्या रिवर्सल डेट आ सकता है उसको कैलकुलेट करना है, तो हमको क्या चाहिए, मेजर स्विंग, फिर यहाँ से गया, स्विंग का ब्रेकडाउन हुआ, नीचे आया और फिर अभी ऊपर जा रहा है। इट मींस कि हमको ये परफेक्ट पॉइंट जो है वो हमको मिल रहा है। तो हमारा कैलकुलेशन यहाँ इन बिटवीन सारे आपको स्विंग से आपको आएंगे, सारे स्विंग्स वैलिड हैं, इंटरनल स्विंग्स भी और मेजर स्विंग्स भी, माइनर स्विंग्स भी, दोनों तरह के। पर हम एक प्रोसेस आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे, बाकी सारी प्रैक्टिस आपको खुद ब खुद करनी होगी। और इसके बाद भी ये प्रोबेबिलिटी के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी की तरह ये वर्क करेगा, इट मे हैपन, इट मे नॉट हैपन, ये हो भी सकेगा, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मार्केट की मर्जी है, मार्केट डिमांड में सप्लाई पे चलता है। लेकिन यदि इस तरह से प्रोसेस फॉलो करेंगे तो कई बार आपको बहुत ही बेहतर ट्रेड्स मिल सकते हैं एज पर गैन रूल, एज पर WD गैन रूल। आपको इस तरह के रिवर्सल डेट्स पे यदि आप अपने ट्रेड्स को मैनेज करते हैं या पोजीशन साइजिंग को रीबैलेंस करते हैं तो आपको एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ ट्रेड्स मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ज्ञान ने जो 100 साल पुरानी बुक है ज्ञान के द्वारा लिखी हुई, वहां पे आपको दो चीज, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला, वो दो चीज आपको हमेशा याद रखना है। पहली, स्टॉप लॉस विदाउट स्टॉप लॉस इन द सिस्टम, विदाउट स्टॉप लॉस आप कभी भी काम नहीं करेंगे, आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, बैक टेस्ट, आपके इंस्ट्रूमेंट पे, आपके टाइम फ्रेम पे ये रूल फिट बैठता है कि नहीं, वो आपको आपके इंस्ट्रूमेंट पे देखना। तो ये दोनों चीज जो आज भी वैलिड है और आने वाले समय में वैलिड रहेगा, वो 100 साल पुरानी बुक ज्ञान की बुक में लिखी हुई, तो इस चीज को आप जरूर से ध्यान में रखें। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। तो हमको यहाँ पे एक स्विंग हाई दिख रहा है 20 अप्रैल का, हमने यहाँ पे ले लिया हॉरिजॉन्टल, बट हमको ये मिला 21 अप्रैल और फिर आया मेजर बॉटम, फिर आया यहाँ पे आया 1 जून। तो एक ये तीसरा आपको यहाँ पे डेट आपको मिल गया, इट मीन्स कि आपका ये दो टॉप हो गया। दो टॉप होने के बाद आपको नया बॉटम जो मिला वो आपको मिला सर। तो हमारे पास जो डेट्स आए वो आए 21 जून, 21 अप्रैल 2022 टॉप की, उसके साथ बॉटम की आई 20 मई 2022, फिर टॉप की आई 1 जून 2022 और फिर बॉटम की आई 17 जून 2022। तो इन चार डेट से हमको रिवर्सल डेट को कैलकुलेट करना। तो आइए इसको हम एक्सेल शीट में डालेंगे और हम और आप दोनों साथ मिलके इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे हमने लिखा टॉप, यहाँ लिख दिया बॉटम, हमारे पास जो डेट्स आई है टॉप की वो आई है 21 अप्रैल 2022, टॉप की आई है 1 जून 2022, फिर बॉटम की आई है 20 मई 2022 और 17 जून 2022, राइट। अब हमको यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो हमने कैलकुलेट किया टॉप टू टॉप, हमने कैलकुलेट किया बॉटम टू बॉटम, हमने कैलकुलेट किया बॉटम टू टॉप, ये रहा बॉटम, ये रहा बॉटम। तो ये हमको डेट सब हमको इसको फॉरकास्ट करना है। 17 जून में हमने ऐड किया 28, 17 जून में हमने ऐड किया 57, 17 जून में हमने ऐड किया फिर 17 जून में हमने ऐड। तो यदि हम इसको सीरियली यदि लिखना चाहे तो हमको डेट्स आया 29 जून जो बीत गया है, 15 जुलाई बीत गया है, 28 जुलाई बीत गया है और 13 अगस्त, ये लकीली आज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं 13 अगस्त, और 13 अगस्त यानी कि सैटरडे, आज सैटरडे है, 13 अगस्त का डेट था आज सैटरडे। अब हम देखेंगे कि मंडे ऑनवर्ड्स किस तरह से होता है, लेकिन पहले इन चार डेट्स में क्या कहीं पे कुछ टॉप बॉटम बना है,
वो हम देखने की कोशिश करते हैं, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीक हमको पता चल जाएगा कि 13 अगस्त के बाद क्या हुआ, और फिर हमारा आगे का भी जर्नी जो है वो स्टार्ट होता है, क्योंकि नीचे स्विंग से भी आपको कैलकुलेट करना होगा, जो अभी रिसेंट स्विंग जो आपको यहाँ पे ये जो बना है, ये जो टूट करके बना है, तो ये सारे स्विंग से भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन ये तो हम यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं। तो हमको आया 28 जून को, याद होगा कि हमारा पहला डेट जो नियरेस्ट था वो 29 जून का, फिर आया हमको 14 जुलाई, ये बॉटम वन, फिर हमारा आज बना 23, 12 अगस्त, ये है 13 अगस्त को हॉलीडे है, तो 12 अगस्त की हाई बनेगी, और हमारा चौथा जो था 13 अगस्त, 28 जुलाई, 15 जुलाई, 28, 29 जून, 28 ये तो एक ये। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास डेट्स थी 29, 29 जून की, 29 जून की बना है टॉप 28, तो गैन की डेट्स है प्लस माइनस वन, ये रहा 29 जून, 29 जून को आपको डेट्स है, लेकिन आपको एक्चुअल हाई जो बना है वो रिवर्सल डेट जो आया है, रिवर्सल डेट के हिसाब से वो आया है 28, देयर आफ्टर ये आपको बना है, हमारा डेट था 15 को, लेकिन आपको बॉटम बना है आपका 14 को, 15 जुलाई का था, बॉटम बना है 14 जुलाई को, और एक 29 तारीख का था, 28 तारीख का था, और उसके हाई को उसने क्रॉस करके यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, उसके लो को नहीं तोड़ा, रिवर्सल डेट्स के लो को नहीं तोड़ा, ये ध्यान में रखिएगा। और अभी 12 तारीख, 13 तारीख का डेट है, और 12 तारीख, आज तो सैटरडे है, आज हम उसको क्या, ये कोइंसिडेंस है कि आज का ही डेट निकला है और आज मार्केट बंद है, तो यानी कि कल का हाई वो हमारा हो जाएगा, और मंडे ऑनवर्ड्स जो है वो हमको पता चलेगा कि इस डेट्स के बाद क्या हुआ। तो हमने ये देखा कि 4 डेट्स जो मिले हैं, 4 डेट्स में से हमारा 2 डेट ये 14 जुलाई और 28 जुलाई, 14 जुलाई और 28 जुलाई को आपको एक दिन प्लस माइनस के साथ आपको रिवर्सल डेट डाउ जोन्स के चार्ट्स पे आपको देखने को मिला है। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि इस तरह से, और हमने सिर्फ इसी स्विंग की ली, बाकी सारे स्विंग्स को भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो चूंकि हमने इसको माइनर स्विंग्स को इग्नोर किया है कि जहां पे स्विंग ब्रेक हुआ हमने सिर्फ वही सारे स्विंग्स लिए हैं, आपको ये सारे माइनर स्विंग के साथ आपको कैलकुलेट करते जाना होगा आप जिस भी इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करते हो। तो एटलीस्ट हमको दो हमको रिवर्सल डेट्स पे हमको बेसिकली मिला, बाकी भी आपको इसी तरह से करना होगा। तो हमारा ये प्रयास, आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा कि किस तरह से हम रिवर्सल डेट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप जो है सो, हमने निफ्टी को ऑलरेडी कर लिया था, आज हमने डाउ जोन्स इंटरनेशनल मार्केट को भी किया, इन दोनों केस स्टडीज से हमको थोड़ा बहुत रॉ डेटा जो है वो हमको मिला होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वैल्यू एडिशन जो है वो आपके ट्रेडिंग में जरूर साबित हो सकता है, आई थिंक। और गैन को थोड़ा सा ओपन माइंड से समझने की कोशिश कीजिएगा, रूल्स को थोड़ा सा एनालाइज कीजिएगा, बैक टेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा, और अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा। और जैसा कि मैं हर वीडियो में, लास्ट 2-3 वीडियो में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने 3 ट्रेडिंग बड़ी से हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।